खुश जहां राम राम मधुर धुन वहां। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, नारायण से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से वंदना कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश मेरे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहती है उसे मैं सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण नारायण। अब प्रकृति द्वारा भेजे गए संदेश की शुरुआत करते हैं मिस्टर राघव से। जैसा कि आप मिस्टर राघव से परिचित हो चुके हैं, हमेशा सुनते आए हैं, इसलिए कि मिस्टर राघव के स्वभाव में है, उनकी आदत बन चुकी है, स्वभाव बन चुका है कि जब भी वो कुछ अच्छा देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो कुछ भी अच्छा देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उन चीजों को आजमाते हैं और उसके बाद जो उन्हें बेनिफिट मिलते हैं तो उनका मन ये रहता है कि जो लाभ मुझे मिल रहा है वो औरों को भी मिले, इसलिए वो अपनी बात सबके साथ शेयर करते हैं। इसी श्रृंखला में अगली कड़ी, अगली कहानी मिस्टर राघव के माध्यम से कि मैं एक ऐसी सत्संग से जुड़ा हूँ, ऐसी संस्था से जुड़ा हूँ जहाँ पर हर हफ्ते लेक्चर होता है और वहाँ पर कंपलसरी है कि जो मेंबर्स हैं उस संस्था के उनको भी लेक्चर देना, और लेक्चर का विषय रहता है कि जो कुछ भी हम समाज में अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, उस बाबत अच्छे से तैयारी करके आना और अलग अलग स्कूलों में जाके, म्युनिसिपल स्कूलों में जाके वो लेक्चर देना, ताकि अच्छी बातें उन गरीब विद्यार्थियों तक भी पहुंचे, वे भी अच्छे बने, जीवन में आगे बढ़े। और इस तहत, इस नियम के तहत राघव कहते हैं कि अब अगली बारी मेरी थी लेक्चर देने की और मुझे उस लेक्चर की अच्छे से तैयारी करनी थी, पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, मेरे बहुत सारे कमिटमेंट थे, तो मैंने सोचा कि मैं इस संस्था से पीछे हट जाता हूँ, अपना नाम बाहर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैक्ट्री शिफ्ट करनी थी नई जगह पर और पुरानी जगह पर कंस्ट्रक्शन करवाना था और रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए मैंने इंजीनियर बुलवा रखे थे, उनसे मुझे मीटिंग करनी थी। मैं किताब लिख रहा हूँ, उस किताब को मुझे पूरी करके पब्लिकेशन के लिए देना था, इत्यादि इतने सारे काम मेरे साथ थे, इतने कमिटमेंट मुझे पूरे करने थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस सत्संग से बाहर हट जाता हूँ। और इस बाबत मैं सोच ही रहा था कि मैं लेक्चर की तैयारी नहीं कर पाऊँगा, बेहतर होगा इस संस्था से मेरा बाहर निकलना। मेरे दिमाग में बाहर निकालने का विचार ही चल रहा था, इतने में जिसका आज नंबर था उसने लेक्चर देना शुरू किया, चारुलता ने। चारुलता ने कहना शुरू किया कि जीवन ये नहीं है कि ये रुकावटें थी इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए, बजाय इसके ये हो कि ये सब होते हुए भी हम आगे बढ़ें। राघव कहते हैं उसकी कही पंक्तियां मेरे भीतर उतर गई, दिल के भीतर उतर गई कि जीवन ये नहीं है कि ये रुकावटें थी इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए,
बजाय इसके कि ये सब होते हुए भी हम आगे बढ़े। राघव कहते हैं कि तत् क्षण मैंने सोच लिया मुझे इस संस्था से, इस सत्संग से जुड़े रहना है, मुझे अपनी लेक्चर की तैयारी करनी है, चाहे मुझे रिकंस्ट्रक्शन करवाना है, इंजीनियर से मीटिंग करनी है, चाहे मुझे अपनी पुस्तक कंप्लीट करनी है, पर साथ साथ मुझे अपने लेक्चर की तैयारी भी करनी है। राघव कहते हैं जो ही मैंने सोचा कि मुझे लेक्चर की तैयारी करनी है, मुझे एहसास हुआ कि जब मैं ये सोचता हूं कि मुझे पीछे हटना है, मेरा दिमाग कई सारे कारण देता है पीछे हटने के और मैं जीवन में पिछड़ जाता हूं। और जब मैं ये सोचता हूं कि ये सब होते हुए भी मुझे आगे बढ़ना है, मेरा दिमाग एक्टिव हो जाता है ये बताने के लिए कि तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है, और मेरी प्रगति शुरू हो जाती है, मेरे भीतर का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और मैं उस काम में आगे बढ़ने लगता हूँ। मैंने तो सोच लिया कि मुझे अपने लेक्चर की तैयारी अच्छे से करनी है, मैंने अपने लेक्चर की तैयारी अच्छे से की, डिलीवरी दिया और मेरा दिया गया लेक्चर सब विद्यार्थियों को पसंद आया, उससे उस लेक्चर से बहुतों ने कुछ सीखा। राघव कहते हैं कि कई लोग अपनी असफलता की कहानी सुनाते रहते हैं, यदि जरा सा उन कहानियों पर गौर करें, ध्यान दें, तो पता चलता है कि वे अपने जीवन में हमेशा अपनी असफलता का दोष दूसरों पर मढ़ते रहे कि फैमिली का सपोर्ट नहीं था इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए, पैसों की कमी थी इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए, क्लाइमेट कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए। राघव कहते हैं कि यदि उन्होंने अपने शब्दों पर, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, कि यदि उन्होंने अपने शब्दों में जरा सा हेर फेर किया होता, कि क्या हुआ यदि फैमिली सपोर्ट नहीं है फिर भी मैं कर सकता हूं, क्या हुआ यदि पैसा नहीं है मैं कर सकता हूं, क्लाइमेट कंडीशन ठीक नहीं मैं कर सकता हूं, यदि अपने शब्दों में जरा सा हेर फेर किया होता तो निश्चित है उन्हें कोई ना कोई रास्ता मिलता और वे जीवन में आगे बढ़ते। तो राघव कहते हैं यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ना तो बहाने बनाएं और ना ही कारण बताएं, ये सोचें कि ये सब होते हुए भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। शब्दों में हेर फेर कर दीजिए और देखिए कैसे आपके लिए रास्ते खुलते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। अगेन आई रिपीट, जीवन ये नहीं है कि ये रुकावटें थी इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए, इन स्पाइट ऑफ दैट ये सब होते हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं, शब्दों में जरा सा हेर फेर करना है। बोल दीजिए। राघव कहते हैं पिछले महीने की बात है, मेरे दांत में जबरदस्त दर्द था, मैंने उसे 4 दिन सहन किया, 5 दिन सहन किया, जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तब मैं डॉक्टर के पास गया। डेंटिस्ट ने मुझसे कहा कि छोटा सा दांत गलत डायरेक्शन में उग रहा है इसलिए तुम्हें दर्द हो रहा है,
उसे बाहर निकालना होगा। मैंने और 4-5 दिन निकाल दिए ये सोच कर कि शायद वो अपने आप दर्द ठीक हो जाएगा, पर जब वो ठीक नहीं हुआ मैं पुनः डेंटिस्ट के पास गया, दांत निकलवाया। निकलवाने के बाद भी दर्द हो रहा था, पेन किलर खाई, पेन किलर खाने के बाद भी दर्द हुआ था, पेन हो रहा था। राघव कहते हैं, मुझे दर्द में तड़पता देख मेरी बेटी सिमरन ने मुझसे कहा कि पापा आप एक काम करो, आप वहां से ध्यान हटा दो, किसी और चीज पर फोकस करो, क्योंकि जब तक आपका ध्यान आपका फोकस दांत पर रहेगा आपका दांत दर्द करेगा और आपको दर्द सहन करना पड़ेगा, तो बेहतर होगा आप अपना ध्यान वहां से हटा दीजिए ताकि उसका असर आपको कम महसूस हो। राघव कहते हैं कि बात मुझे जची, मैंने बेटी का धन्यवाद किया और एक ऐतिहासिक नॉवेल पढ़ने बैठ गया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक था वो, मुझे ऐतिहासिक नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है। मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं उसमें रम गया। एक राजा, उसका किला, उसकी बड़ी भारी सेना, सेना का दूसरे देश पर आक्रमण करना, उसे अपने भीतर मिला लेना, ये सब सीन मेरे कल्पना में घूमने लगा, मैं उसमें रम गया। और मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद मेरा दर्द गायब हो गया। राघव कहते हैं कि मुझे एहसास हुआ कि जिस वक्त मुझे इतनी पीड़ा हो रही थी वहां से मुझे ध्यान हटाने के लिए कुछ अच्छा सा पकड़ने को चाहिए था। यदि किसी अच्छी चीज को मैं पकड़ के रखता हूं तो जब भी मेरे जीवन में कोई पीड़ा या तकलीफ आती है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक, मेरा फोकस उस पर से उठकर वहां चला जाएगा तो जो पीड़ा मैं भुगत रहा हूं उसका एहसास मुझे नहीं होगा और वो समय मेरा आसानी से बीत जाएगा। उस घटना से मैंने सीखा कि मुझे, राघव कहते हैं कि उस घटना से मैंने सीखा कि जीवन में मुझे कुछ अच्छा सा पकड़ कर रखना है ताकि जब जीवन में उतार चढ़ाव आए तो मैं वहां से ध्यान हटाकर वहां ध्यान कर लूं ताकि जो उतार चढ़ाव का समय है वो मेरा आसानी से बीत जाए। राघव आगे कहते हैं कि इस बाबत मुझे चार्ली चैपलिन की कहानी याद आ गई, जिसने पूरी दुनिया को हंसाया पर खुद के जीवन में वो कभी नहीं हंसा। उसे अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके माता पिता अलग हो गए, माँ मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसे देश निकालने का वारंट दे रखा था। इतनी परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी माता पिता का अलग होना, माँ का मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, देश से निकलने का वारंट जारी किया गया था, इसके बावजूद भी उन्होंने एक्टिंग करना नहीं छोड़ा। और एक समय ऐसा आया कि जिस सरकार ने उसे देश से निकलने के लिए कहा था वही सरकार आज उसका सम्मान कर रही थी। ऐसे वक्त में एक प्रेस रिपोर्टर ने उनसे पूछा, चार्ली चैपलिन से, कि आपको अपने जीवन में हमेशा कठिन समय से गुजरना पड़ा, चुनौतियों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा, ऐसे में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे रख पाए, ऐसा क्या था जिससे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख पाए? चार्ली चैपलिन ने कहा
कि जब जब भी मेरी विपरीत परिस्थितियां मेरे सामने आई, कठिन समय मेरे सामने आया, मुझे सिर्फ ये पंक्तियां याद थी, दिस टू शल पास, ये समय भी बीत जाएगा। और इन पंक्तियों ने कि ये समय भी बीत जाएगा मेरा हर विपरीत समय में साथ दिया। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नारायण नारायण।